हेलो फ्रेंड, वन सेकंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टेक। फ्रेंड, हम आज के वीडियो में जानेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले, जो कि 24 जनवरी से आप सभी छात्रों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे आप सभी छात्रों के एग्जाम में बीए बीएससी बीकॉम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मेरे पास जो कि प्रीवियस का अदर सेमेस्टर 2023 का मॉडल पेपर है मेरे पास, जो कि लगभग 70 से 80% चांसेस हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी छात्रों के एग्जाम में आएंगे। तो फ्रेंड, इसलिए आप सभी छात्र वीडियो में आज तक जरूर बने रहें, जो भी बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट। तो फ्रेंड, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि फ्रेंड वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से ऐसे इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को मेरे चैनल के द्वारा मिलती है। तो फ्रेंड, आप सभी छात्र वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आप सभी छात्रों को सभी सब्जेक्ट के जो कि मॉडल पेपर इस चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहें। फ्रेंड, हम क्वेश्चन पेपर को ओपन कर लिए, जो कि बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में सभी यूनिवर्सिटी के लिए मॉडल पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी छात्रों के आएंगे। जैसे फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पे पेपर कोड दिया गया और नीचे दिया बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 माइनर सब्जेक्ट हिंदी। तो फ्रेंड, हिंदी का जो कि मॉडल पेपर और भी बीकॉम का भी हम शो करके दिखाएंगे, बीएससी का भी, तो इसलिए आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हिंदी का भी, तो इसमें जो कि आप सभी छात्रों को भी पता है, अब जो कि मैक्सिमम 75 नंबर के आप सभी छात्रों के क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो फ्रेंड, नीचे स्लाइड करते हुए जाएंगे, पीडीएफ में दिया गया है निर्देश, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं, सबसे पहले अति लघुतरी प्रश्न, जिनमें फ्रेंड आप सभी छात्रों को 10 क्वेश्चन करने होंगे, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। जैसे फ्रेंड इसमें दिया गया कबीर, इसमें दिया गया जो कि आप सभी छात्रों को 50 शब्दों में लिखने होंगे क्वेश्चन, जिनमें कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, और सेकेंड क्वेश्चन है सूरदास की रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर जो कि हिंदी का आया था। ऐसे ही आप सभी छात्रों को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, चाहे राम मनोहर लोहिया एमजीके भी, सभी यूनिवर्सिटी के ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएंगे। जैसे देख सकते रामचरितमानस किसकी रचना है, रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, वह तोड़ती पत्थर के रचनाकार का नाम लिखिए, कबीरदास की रचनाओं के नाम लिखिए, छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 8 पद्मावत किसकी रचना है, और जो कि क्वेश्चन नंबर 9 तुलसीदास किस काल के कवि थे, और फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 10 कमायनी की रचयिता कौन है। तो फ्रेंड जो कि यहाँ पे जो कि 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आप सभी छात्रों के क्वेश्चन आएंगे, जो कि इस बार जो कि क्वेश्चन पेपर अदर यूनिवर्सिटी का है, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आने के चांसेस हैं। और फ्रेंड आप दिया क्या खंड जो कि सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग अधिकतम 200 शब्दों में आप सभी छात्रों को लिखने होंगे, लगभग दो से ढाई पेज में लिखने होंगे, जिसमें फ्रेंड 1 क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का रहेगा, 5 ही क्वेश्चन आप सभी छात्रों को करने होंगे, जिसमें दिया गया फ्रेंड यहाँ पे निम्नलिखित और अवतरण की संदर्भ सहित व्याख्या किए, जिसमें दिया गया एक दोहा दिया गया सतगुरु हम, फ्रेंड जो कि दोहा दिया गया, पूरा दोहा पढ़ के आप सभी छात्रों को बताएंगे, जो कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड इसलिए आप जो कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, जो भी दोहा दिया गया एक अथवा करके और भी दोहा दिया गया उसको उसके बारे में जिसकी जो कि यहाँ पे व्याख्या करना है, जो कि यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ऐसे फ्रेंड आप जो कि क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित अवतरण की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें फ्रेंड आप सभी छात्रों को जो भी यहाँ पे छंद या कुछ और दिया गया होगा, दोहा टाइप दिया गया, उसमें आप सभी छात्रों को सबसे पहले पहचानना होगा राइटर कौन है और कौन से लेसन का है, तभी आप संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं निर्गुण कौन देश को वासी, जो कि इसमें दोहा टाइप लिखा गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। फिर आप फ्रेंड डिस्प्ले देख सकते हैं कितना लोग की थोड़ा बड़ा है, क्योंकि फ्रेंड आपको 7 नंबर का रहेगा, तो ऐसे ही नहीं 200 शब्दों में लिखने होंगे। अथवा करके फिर दिया गया मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए जातन की झाई परे श्यामू हरित द्वितीय हो, जो कि यहाँ पे फिर एक और दोहा दिया गया, अथवा करके आपका 2-3 दिया गया जिसमें आपको एक ही करना होगा। देखिए और फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 दिया निम्नलिखित अवतरण के संदर्भ व्याख्या कीजिए, लगभग फ्रेंड जो कि यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि दोहा लिखा गया है। और फ्रेंड एक बार हम क्वेश्चन 5 को भी देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया क्वेश्चन 5 के फ्रेंड, फिर अथवा करके वही एक और दोहा दिया गया है, वह आता दो फ्रेंड, जो कि दोहा आप सभी छात्र डिस्प्ले देख सकते हैं, जो कि सभी दोहा पढ़ के अगर बताएंगे तो काफी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, अब जो कि दोहा से खत्म होकर अब जाए भक्ति काल के
प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और जो क्वेश्चन नंबर 6 रीतिकार की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड आपसे भी चाहते हो जो भी अदर सोर्सरीज या विद्या जो भी अदर कुछ प्रकाशन से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड ऐसे ही क्वेश्चन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आने के चांसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 7 छायावाद की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 विच्युत कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। फ्रेंड यहाँ पे दिया गया जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर जिसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिखने होंगे। क्वेश्चन पेपर जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं 500 शब्द में कम से कम 3 से 4 पेज में आप सभी छात्रों के लिखने होंगे, तभी 500 शब्द होंगे। तो कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया जिसमें 4 प्रश्न रहेंगे जिसमें दो प्रश्नों का उत्तर करना होगा। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, इस कथन को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड इस जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 महादेवी वर्मा का काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आदिकाल के प्रमुख विशेषताओं का पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 13 शोध का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो भी हिंदी का पेपर है सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी छात्रों के यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएंगे। तो फ्रेंड एक बार हम बीकॉम का भी ओपन करके देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आएंगे। फ्रेंड हम बीकॉम के क्वेश्चन पेपर को ओपन करें जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है जो कि इस बार का 2023 का ही है, जिसमें दिया बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 मेजर सब्जेक्ट कॉमर्स पेपर 3 इलेक्ट्रिक यहाँ पर दिया बिजनेस कम्युनिकेशन। टाइमिंग 3 घंटे की दी गई और मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का आप सभी छात्रों का क्वेश्चन रहेगा। सभी यूनिवर्सिटी के लिए आप सभी छात्रों का ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा। तो फ्रेंड इसलिए आप सभी छात्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले, क्योंकि फ्रेंड हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेशन की वीडियो ऐसे ही जो यूजफुल वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल द्वारा मिलती रहेगी। तो फ्रेंड नीचे स्लाइड करते हुए जैसे मतलब सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप सभी छात्रों को 10 क्वेश्चन करने हो, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन संचार क्या है, और फ्रेंड जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन संचार शोर क्या है, और जो एक तरफा संचार क्या है, प्रभावी संचार क्या है, संदेश संक्षिप्त कैसे हो सकता है जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 या 5 दिया गया, और क्वेश्चन नंबर ईमेल क्या है, ईमेल के बारे में आपसे जो कि यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन का है तो आपसे चाहते हो कम्युनिकेशन के बारे में ही ज्यादा करके क्वेश्चन रहेगा, जैसे कम्युनिकेशन के प्रकार हो गए, कम्युनिकेशन बाहर कम्युनिकेशन हो गया, व्यवसायिक कम्युनिकेशन हो गया। तो फ्रेंड ऐसे ही, और फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या हो गया, जैसे ई कॉमर्स क्या हो गया। फ्रेंड ऐसे ही आपसे चाहते हो बीकॉम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमर्स के पेपर में। और फ्रेंड आप जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, फ्रेंड जो भी यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है जैसे आप मीडिया वगैरह हो गए, जैसे सीएम हो गए, सबके द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसी के बारे में आप सभी छात्रों को लिखने होंगे कैसे होते हैं। और फ्रेंड आप जो क्या चुनिंदा श्रवण क्या, पार्श्व भाषा क्या है, तो फ्रेंड ऐसे ही आप देख सकते हैं फैक्स क्या है, फैक्स मतलब जो पहले वही जो मेल वगैरह भेजा जाता तो उसी टाइप एक इलेक्ट्रॉनिक मेल ही फैक्स है। और फ्रेंड आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय सेक्शन बी, जिसमें फ्रेंड आप सभी चाहते हो 200 वर्ड में लिखने होंगे, जिसमें 7 नंबर के 5 क्वेश्चन को ही करने होंगे। इस खंड के किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 प्रबंध के कार्यों में संचार कैसे महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अगर आपका कम्युनिकेशन का पेपर है लगभग 25 से 30 नंबर कम्युनिकेशन के बारे में आप सभी छात्रों को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन से 100% 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो फ्रेंड प्रबंध के संचार कैसे महत्वपूर्ण है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, संचार के परिभाषा तथा अर्थ की व्याख्या कीजिए। देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक्सप्लेन डिफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, तो फ्रेंड अगर कम्युनिकेशन का पेपर तो उसके बारे में तो 20 से 25 नंबर 100% उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर के एक क्वेश्चन संचार की परिभाषा, संचार प्रक्रिया के तत्व बताइए क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 संचार की प्रमुख बाधाएं बताइए, जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी बाधा आती है कि जिसकी वजह से आप संचार नहीं कर पाते हैं। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया अमौखिक संचार क्या होता है, लगभग फ्रेंड देख लीजिए आप यहाँ पे लगभग 27 से 28 नंबर के क्वेश्चन आपके संचार से के बारे में, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा तैयार रहा तो आपका पेपर कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया श्रवणता के विभिन्न प्रकारों की विवेचना की है, आत्मसंचार से आप क्या समझते हैं समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 संचार के आधुनिक स्वरूप क्या है, संचार के बारे में दिया गया आधुनिक स्वरूप क्या है इनके।
फ्रेंड आप यहाँ पे दिया सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस खंड के किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में, लगभग फ्रेंड तीन से चार पेज में आप सभी छात्रों को लिखने होंगे, जो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड आप सभी छात्रों का 10 नंबर का रहेगा और दो क्वेश्चन ही करने होंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अंगूरीलता से आप क्या अभिप्राय, इसके गुण अवगुणों का वर्णन कीजिए, संचार के 7 CS पर सर्च कीजिए, जो कि यहाँ पे संचार के 7 CS पे चर्चा कीजिए। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार के वर्ड, साक्षात्कार मतलब फ्रेंड इंटरव्यू होता है, इंग्लिश में इसको इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू क्या होता है। तो फ्रेंड आप सभी छात्रों को भी पता, अगर आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आप सभी छात्र इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के विभिन्न प्रकार, तो फ्रेंड आप सभी छात्रों को शोर्ट सीरीज में या तो इजी नोट्स वगैरह में बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया होगा, डिटेल दिया, तो उसी के बारे में आप सभी छात्रों को लिखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 अवरोही और आरोही संचार को प्रभावी से बनाने के लिए क्या उपाय समझाइए, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 13। तो फ्रेंड आप सभी छात्रों को यहाँ पे जो कि यहाँ पे दिया गया 10 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ही करने होंगे। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आप सभी छात्रों को यूजफुल लगे हो तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि फ्रेंड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा मिलती है। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।